सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अपनी पूरी टीम के साथ हान क्वीन के पास आ गया था क्योंकि अपनी टीम को कमांडर ग्रेड में प्रमोट करना चाहता था, पर हान क्वीन इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि लेवल को बढ़ाने में हमेशा वक्त लगता है, साथ ही पिछले हजारों सालों में एक भी ऐसा ग्रुप नहीं रहा जो इतनी कम उम्र में कमांडर ग्रेड में प्रमोट हुआ हो, इसीलिए तुम्हें दूसरी बैटल से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पर आओचेन को अपनी टीम पर पूरा विश्वास था कि वो कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो सकते हैं, इसीलिए ने हान क्वीन से एक शर्त रखी थी कि अगर मेरी टीम में से एक भी इस कमांडर टेस्ट में फेल हो गया तो जनरल ग्रेड से भी नीचे डिमोट हो जाएंगे। आओचेन के जोश को देखकर हान क्वीन मान गए थे। आओचेन के सभी साथी कमांडर ग्रेड का टेस्ट देने चले गए थे। एग्जामिनर को उन सब की कमजोरी पहले से ही पता थी, इसीलिए वो सभी के अटैक को रोक रहे थे, पर उन सभी ने अपनी फर्नेस का इस्तेमाल करके सभी एग्जामिनर को हरा दिया था, जिससे अब वो कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो चुके थे। आओचेन अब डिमन टेरिटरी में जाना चाहता था ताकि वो हार्ड मिशन को एक्सेप्ट करके शेन इनकी ट्रू गॉड अवेकनिंग को रिवाइव कर सके। उन्होंने 16 हंटिंग मिशन को एक्सेप्ट किया था और वो डिमन टेरिटरी की तरफ निकल गए थे। फिर अब हम जिंगयून सिटी का सीन देखते हैं, जहां वॉरियर हॉल के सिक्योरिटी टीम का कैप्टन अपने कुछ सोल्जर के साथ मामूली मर्चेंट ग्रुप के लोगों को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि वो यहां से गुजरने वाले सभी लोगों से सिक्योरिटी टैक्स लिया करता था और जो उसे पैसे नहीं देता उसे वो काफी परेशान करता था, जिससे सभी मर्चेंट उसके बिहेवियर से काफी परेशान थे। सिक्योरिटी कैप्टन कहता है कि जल्दी से मुझे पैसे दे दो, वरना आज मैं तुम लोगों को मार डालूंगा और ये जगह तुम्हारा कब्रगाह बन जाएगी। तभी एक सैनिक वहां जाता है जो कैप्टन को बताता है कि इन लोगों को छोड़ दो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि शहर के वेस्ट साइड में कुछ नए लोग आए हैं जिन्हें खत्म करने के बाद हमें कुछ महीने की इनकम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो सभी जल्दी से उस तरफ जाने के लिए निकल जाते है। वहीं वॉरियर हॉल के सैनिकों ने आओचेन के सभी साथियों को घेर कर रखा था, पर आओचेन वहां नहीं था, वो वॉरियर हॉल की तरफ निकल गया था। सिक्योरिटी टीम का कैप्टन वहां जाता है, वो कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ चीटियों की तरह हो, अगर तुम यहां से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें सिक्योरिटी टैक्स देना होगा, अगर तुमने मुझे टैक्स नहीं दिया तो तुम आज यहीं मारे जाओगे। जियांग इसे काफी गुस्सा होता है, वो कहता है कि तुम कमजोरों को मारने का साहस करते हो, क्या तुम्हारा वॉरियर हॉल इसी तरह से काम करता है, और वो गुस्से में उन पर अटैक करने जाने लगता है। पर वांग उसे रोक लेती है और बताती है कि मैं भी इस वॉरियर हॉल के एरिया में नहीं रहना चाहती, मैंने सुना है कि सिक्स हॉल में आपसी लड़ाई चल रही है जिसकी मैंने काफी अफवाह सुनी है, इसीलिए हमें लीडर के वापस आने तक का इंतजार करना होगा। शेन इन भी सोच रही थी कि आओचेन अकेला ही वॉरियर टेम्पल की तरफ निकल गया है, मैं नहीं जानती कि वो वहाँ ठीक रहेगा या नहीं। वहीं हम आओचेन को देखते हैं जो साउथ ईस्ट के एक किले के पास पहुंच गया था। वो सोचता है कि मेन हॉल का वॉरियर हॉल होना चाहिए, मुझे गॉडेस ऑफ लाइट के एरिया स्वॉर्ड की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड यू वुशांग की थी जो वॉरियर टेम्पल का ही एक मेंबर था। आओचेन अब उस किले के अंदर जाने लगता है। वॉरियर हॉल में हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां वॉरियर हॉल के सभी मास्टर और लीडर बैठकर गॉडेस ऑफ लाइट की स्वॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो स्वॉर्ड वॉरियर हॉल से चोरी गई थी। सभी काफी परेशान थे क्योंकि उस शॉट के गायब होने से सभी वॉरियर का मनोबल टूट गया था। उन्हें लग रहा था कि गॉडेस ऑफ लाइट की ब्लेसिंग उन पर से खत्म हो चुकी है। डिप्टी मास्टर कहते हैं कि शहर के सभी लोगों को अब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी आत्माओं को खो दिया हो, और अब सभी लोगों की कार्य करने की कुशलता कम होती जा रही है। एक दूसरे मास्टर कहते हैं कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि गॉडेस ऑफ लाइट ने हमें अब त्याग दिया है, जिससे वो शॉट हमारे वॉरियर हॉल से गायब हो गई। वॉरियर हॉल के लॉर्ड बाओ क्यू भी काफी परेशान थे। अब आओचेन भी वॉरियर हॉल में आ जाता है, सैनिक उसे रोक लेते हैं, पर आओचेन उन्हें डिमन हंटर इंसिग्ना दिखाता है, जिससे वो सैनिक उसे अंदर लेकर आ जाते हैं और लीडर से कहते हैं कि कोई नाइट आपसे मिलने आया है। डिप्टी पैलेस लीडर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, इस वक्त तुम किसी को भी अंदर लेकर कैसे आ सकते हो। सैनिक आदर पूर्वक कहता है कि माफ करना डिप्टी मास्टर, पर इस लड़के के पास डिमन हंटर इंसिग्ना है। तो इससे वो मास्टर हैरान होता है क्योंकि आओचेन काफी छोटा था और एक लड़के के पास डिमन हंटर ऑर्डर कैसे हो सकता है। पैलेस लॉर्ड बाओ की उसे शांत रहने को कहते हैं और आओचेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे मीटिंग हॉल में क्या लेने आए हो। आओचेन कहता है कि मैं नंबर 64 डिमन हंटिंग ग्रुप का लीडर लॉन्ग आओचेन हूँ। अब वो अपनी रिंग में से गॉडेस ऑफ लाइट की शॉट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं इस शॉट को आपके पास दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। सभी मास्टर उस शॉट को देख
देखकर हैरान हो जाते हैं। डिप्टी मास्टर कहता है कि यह तलवार इस लड़के के हाथ में कैसे हो सकती है। टेम्पल लॉर्ड जल्दी से आओचेन के पास आते हैं। उन्हें देखकर सभी सैनिक अपना सर झुका लेते हैं। टेम्पल लॉर्ड आओचेन से कहते हैं कि यह सॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली, तुम इस सॉर्ड को वापस हमारे पास लौटाने आए, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पूरे वॉरियर पैलेस की ओर से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। आओचेन उस सॉर्ड को वापस अपने पास रख लेता है और पैलेस लॉर्ड से कहता है कि मैं इस सॉर्ड को वापस लौटाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए वॉरियर हॉल की तरफ से आपसे परमिशन मांगने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करने दोगे। डिप्टी मास्टर का भी गुस्सा होता है और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, इसीलिए तुम इतने एरोगेंट हो रहे हो। और वो अपने सैनिकों से कहता है कि इस लड़के को पकड़ लो। तो सैनिक आओचेन को घेरने लगते हैं। पैलेस लॉर्ड सभी सैनिकों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं पहले से इस लड़के की पूरी बात सुनना चाहता हूँ। और वो आओचेन से कहते हैं कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें गॉडेस ऑफ लाइट की ये सॉर्ड कहाँ से मिली। आओचेन उन्हें बताता है कि ये सॉर्ड मुझे ऑक्शनर वे यांग की वजह से मिली। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा आता है जब ऑक्शन खत्म होने के बाद ऑक्शनर वे यांग आओचेन से मिली थी। उसने आओचेन को बताया कि मैंने इस सॉर्ड को चुपचाप वॉरियर हॉल से निकाल लिया था। आओचेन इसे चौंक जाता है। वे यांग उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि यह तलवार ये वो शांग की है जो वॉरियर हॉल से थे और वहाँ इस सॉर्ड की पूजा की जाती थी, पर यह एक डिवाइन सॉर्ड है जो सालों से वॉरियर हॉल में सील्ड होकर निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई थी। इसीलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि यह सॉर्ड वापस से अपने म्यान से बाहर आए और डीमन को मारने में इंसानों की मदद करें, इसीलिए मैंने चुपके से इसे निकाल लिया। अगर वॉरियर हॉल को पता चल जाता तो कभी भी इस सॉर्ड को बाहर नहीं निकालने देते। और वॉरियर हॉल का मानना है कि उनके एंसेस्टर यू शांग के अलावा इस सॉर्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए जब तुम अगली बार वॉरियर हॉल के पास से गुजरो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और नया एहसास दिलाना होगा कि तुम इस सॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आज ये शांग जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि उनकी यह सॉर्ड वापस से डीमन को मार सके। आओचेन ये सारी बातें पहले स्लॉट को बता देता है। ये शांग कहते हैं कि भले तुमने इस सॉर्ड की सील को तोड़ दिया हो, पर यह तलवार हमारे लिए काफी पवित्र है और हमारे पूरे वॉरियर हॉल का यही मानना है कि इस सॉर्ड का इस्तेमाल केवल यू शांग ही कर सकते थे और उनके अलावा कोई भी इस सॉर्ड का इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। तुम एक नाइट हो, इसीलिए तुम हमारे वॉरियर हॉल के अतीत को नहीं समझ सकते, इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती उस ऑक्शनर वे यांग की है जो बिना हमारी परमिशन के सॉर्ड को ऑक्शनर हाउस में ले गई। और मैं मानता हूँ कि तुम भी इस बात तो समझ सकते हो कि यह उस लड़की का किया हुआ एक मजाक था, इसीलिए अब हमें वो सॉर्ड वापस लौटा दो। आओचेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई मजाक है। ऑक्शनर वे यांग इस सॉर्ड को यहाँ वॉरियर हॉल में धूल से सना हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। पैलेस लॉर्ड गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि सॉर्ड के पुराने मालिक की मौत हो चुकी है, इसीलिए यह सॉर्ड भी अपने मालिक के साथ ही सोई रहेगी और इस सॉर्ड के लिए इमोर्टल मिथ बनना ही इसकी डेस्टिनी है। मैं किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार कभी इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। आओचेन कहता है कि अगर आप मेरी बात माने तो न्यू जनरेशन हमेशा चमत्कार करती रहती है और एक डिवाइन सॉर्ड ही किसी को इमोर्टल बना सकती है जिससे वो डीमन से लड़ पाएगा। अगर मैं इस सॉर्ड का इस्तेमाल ना करूं तो ये बस एक मरी हुई चीज है जिस पर सालों से डस्ट जमी हुई थी। पहले स्लॉट काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की यह सॉर्ड सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु है। बाकी सभी मास्टर भी गुस्से में अपने ओरा को फैलाने लगते हैं। पैलेस लॉर्ड ने उनकी लाइन डिवाइन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। वो कहते हैं कि मेरा वॉरियर हॉल कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे हर कोई अपने पैरों तले रोन दे। आओचेन कहता है कि मेरा इरादा कभी भी आपको टेस्ट पहुंचाने का नहीं था, बस मैं तथ्य बता रहा था कि यह डिवाइन सॉर्ड दुश्मनों और राक्षसों को मिटाने के लिए बनी है और मैं इस सॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। और वो उस गॉडेस ऑफ लाइट सॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके ओरा को फैलाता है जिससे वो सभी मास्टर हिल जाते हैं। आओचेन को सॉर्ड का इस्तेमाल करता देखकर पैलेस लॉर्ड हैरान थे। वह आओचेन से कहते हैं कि अगर तुम सच स्वीकारने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम इस सॉर्ड को चलाने के काबिल हो। फिर अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वॉरियर हॉल के सभी सैनिक एक केव में इकट्ठा होते हैं जहां आओचेन भी पैलेस लॉर्ड के साथ आ गया था। सैनिक बातें करते हैं कि लड़का वास्तव में नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है और इसमें इसकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है। इस लड़के को लग रहा है
कि यह आसानी से हमारे वॉरियर होल की डिवाइन सॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, पर जल्द ही इसे पता चल जाएगा कि हमारे एंसेस्टर के अलावा और कोई भी इस तलवार को चलाने के काबिल नहीं है। पहले स्लॉट हाउ चेन को एक वॉल के पास लेकर आते हैं और अपनी पावर को उसमें डालने लगते हैं, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। उस जगह पर एक मीटियोरॉइड था जिस पर कई सारे शॉट के निशान थे। पहले स्लॉट हाउ चेन को बताते हैं कि यह शॉट इंटेंशन हमारे मास्टर ये वुशांग के द्वारा छोड़ा गया था और ये निशान लगभग 100 सालों से अभी तक भी ग्लो कर रहे हैं। अगर तुम इस शॉट इंटेंट को वापस से रिक्रिएट कर सकते हो तो इसे साबित हो जाएगा कि तुम इस गॉडेस ऑफ लाइट शॉट का इस्तेमाल करने के काबिल हो। अगर तुम शॉट इंटेंट को क्रिएट नहीं कर पाए तो तुम्हें आज्ञाकारी रूप से ये शॉट वापस हमें लौटानी होगी। डिप्टी मास्टर हाउ चेन से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम पहले ही पीछे हट जाओ, क्योंकि यह कोई मामूली स्टोन नहीं है, यह सबसे पावरफुल स्पेस मीटियोरॉइड है। एक दूसरा मास्टर अपने साथी से कहता है कि मैं भी ये वुशांग के इंटेंट की नकल करना चाहता हूँ, पर मुझे मालूम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सालों पहले जब ये वुशांग के सभी सब ऑर्डिनेट जो लेवल 9 पर थे वो भी इसमें कोई भी इमिटेट नहीं कर पाए थे, और यही वजह थी कि पहले स्लॉट ने हाउ चेन को यह चुनौती दी थी। और ने लग रहा था कि हाउ चेन एक बच्चा है जो सिर्फ लेवल 6 पर है। हाउ चेन पहले स्लॉट से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे जो वादा किया है आप उसे जरूर निभाओगे। अब वो उस गॉडेस ऑफ लाइट शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसे तेजी से जमीन पर मारता है, जिससे आसपास की सभी लाइट हाउ चेन के अंदर जाने लगती है, जिससे वो उस शॉट को चार्ज करने लगता है। सभी यह देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आसपास के सभी लाइट पार्टिकल हाउ चेन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले स्लॉट मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि लड़का केवल लेवल 6 पर है, भले ही ये इस पवित्र तलवार का इस्तेमाल कर सकता हो, फिर भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ये इस स्पेस मीटियोरॉइड में दरार पैदा कर सके। तभी हाउ चेन के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकलता है, जिससे सभी सैनिक हैरान होते हैं, क्योंकि वो पूरी जगह हिलने लग गई थी और शॉट की वजह से चारों तरफ से अजीब सी गूंज पैदा होने लगती है, जिससे पहले स्लॉट भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यह शॉट वाकई इस लड़के के हाथों में स्पेस मीटियोरॉइड को रेजोनेट करवा रही है। अब उस शॉट में से फियर्स एनर्जी निकलती है जो आसमान की तरफ चली जाती है, और अब आसपास मौजूद सारे लाइट पार्टिकल भी हाउ चेन के पास आने लगते हैं। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, हाउ चेन लेवल 6 पर होने के बावजूद भी इतनी फियर्स एनर्जी को एक्टिवेट कर पा रहा था। पहले स्लॉट भी कहते हैं कि यह डिवाइन शॉट इस लड़के के हाथों में इतनी महान शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकती है, और अभी इस लड़के की काया को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे यह लड़का खुद ही लाइट गॉड हो। क्या ये वास्तव में इस तलवार का इस्तेमाल करके चमत्कार पैदा कर सकता है? हाउ चेन अब उस शॉट को लेकर मीटियोरॉइड की तरफ बढ़ने लगता है और उस मीटियोरॉइड पर काफी तेज अटैक करता है, जिससे वो पूरी जगह हिल जाती है और मीटियोरॉइड पर काफी गहरा निशान हो जाता है। अब पूरे शहर में लाइट एनर्जी फैलने लगती है, जिसे लिन और बाकी सभी भी देख रहे थे। ये काफी खूबसूरत नजारा था। शहर के लोगों को ऐसा लग रहा था मानो ये वुशांग वापस लौट आया हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।